Welcome back everyone. We are going to learn the concept of growth of population from class 12 geography NCERT part 2 India people and economy chapter number 1. As we discussed earlier, the concept of population distribution, population density, and we also discussed the growth of population from class 12 part A geography. So here we are going to repeat some concept again. So first question here, what do you mean by growth of population? So growth of population is the change in the number of people living in a particular area between two points of time. It is expressed as in the two way. First one in the form of absolute or in the form of percentage. Yahan pe. तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हम दो तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट तरीके से, या तो रेट के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में. और पॉपुलेशन ग्रोथ का दो मेजर कंपोनेंट होता है, ये भी आप लोगों ने पार्ट ए में ज्योग्राफी में पढ़ा था. यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज इंड्यूस्ड. नेचुरल कॉम्पोनेंट में फिर अगेन दो सब कॉम्पोनेंट्स हैं, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. और इंड्यूस्ड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, माइग्रेशन. और उस माइग्रेशन में भी दो मेजर सब कॉम्पोनेंट्स हैं, एक का नाम है इन माइग्रेशन और एक का नाम है आउट माइग्रेशन. अब यहां पे अगर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल ग्रोथ इज एनालाइज बाय असेसिंग द क्रूड बर्थ एंड क्रूड डेथ रेट्स, है ना. और यहाँ के आगे के लाइन में यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कैसे बर्थ रेट और डेथ रेट में डिफरेंसेस के कारण या इन माइग्रेशन या आउट माइग्रेशन में भी एक स्पेशियल एक टेम्पोरल डिफरेंसेस के कारण पॉपुलेशन ग्रोथ किस प्रकार से एरिया स्पेसिफिक में या रीजन स्पेसिफिक में होता रहता है. आगे के लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ के दो मेजर टर्म को यहाँ पे रखा गया है, एक का नाम है डेकेडल और एक का नाम है एनुअल. डेकेडल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जो 10 ईयर्स का होता है, और एनुअल ग्रोथ का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो 1 ईयर का होता है. यहाँ पे मैं फिर यहाँ पे डिफरेंस बता रहा हूँ, जो डेकेडल ग्रोथ रेट होता है वो 10 साल का एक एवरेज निकाला जाता है, और जो एनुअल ग्रोथ रेट होता है वो जनरली ईयर का होता है. यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बताया गया कि बर्थ रेट और डेथ रेट, है ना, अगर इसकी बात करें, है ना, बर्थ रेट और डेथ रेट ये एक नेचुरल कंपोनेंट है, लेकिन इसमें भी जो बर्थ रेट है चाहे वो डेकेडल हो चाहे वो एनुअल हो, ये बहुत ज़्यादा है. देखिए लिखा हुआ क्या है कि स्टडीली इंक्रीजिंग ओवर टाइम, द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 2.4%. एज पर 2001 सेंसस इंडिया का जो एक एनुअल ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कितना है, 2.4%. और ये एक प्रेडिक्ट किया गया है या इसका एक एस्टिमेशन किया गया है कि इसी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग अगर हमारा पॉपुलेशन का एक्सपेंडिंग रेट चलता रहा तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 36 ईयर में, क्या बताया कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो 36 ईयर में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और वो चाइना के पॉपुलेशन को भी सरप्राइज कर देगा. यहाँ पे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जुड़ रहा है कि पॉपुलेशन डबलिंग टाइम का मतलब क्या होता है. पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, द लिटरल मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, द टाइम टेकन बाय एनी पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एट इट्स करेंट एनुअल ग्रोथ रेट. अर्थात किसी कंट्री या किसी रीजन का जो भी अभी करेंट एनुअल ग्रोथ रेट चल रहा है, उस एनुअल ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग चलते हुए कितने दिन में उस कंट्री का जो अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो इन फ्यूचर डबल पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की कोशिश करिए. यहाँ पे पॉपुलेशन डबलिंग टाइम से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे कैसे जुड़ रहा है, अगर हम पॉपुलेशन डबलिंग टाइम की बात करें और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम और पॉपुलेशन ग्रोथ या रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ये बोल सकते हैं, इन दोनों में एक प्रकार का इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन पाया जाता है. क्या पाया जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन पाया जाता है. आप इसे कुछ यूं भी समझ सकते हैं कि अगर किसी जगह का ग्रोथ रेट, किसी रीजन का ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा होगा तो उस रीजन का जो पॉपुलेशन डबलिंग टाइम है वो क्या होगा, कम होगा.
इसे आप कुछ यूँ भी समझिए कि अगर मान लीजिए कोई कंट्री है लाइक अफ्रीका का लीबिया ले सकते हैं या कीनिया या इथोपिया, अगर इन सभी कंट्रीज़ में ग्रोथ रेट परसेंटेज वाइज अगर देखें बहुत ज़्यादा है, तो उस कंट्री में अभी जो भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से और ज़्यादा पॉपुलेशन होने में उसे बहुत ही कम वक्त लगेगा। यहाँ पे कम वक्त क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा, तो जैसे ही ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है तो उसी पॉपुलेशन में और ज़्यादा पॉपुलेशन को ऐड ऑन होने में बहुत ही कम वक्त लगता है। बट ऑन द अदर एंड बहुत सारे ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ही कम है, जहाँ पे ग्रोथ रेट कम है या जहाँ पे ग्रोथ रेट लगभग नहीं के बराबर या नेगेटिव बोल सकते हैं, उसका पॉपुलेशन डबलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है या कई कब और भी ज़्यादा है। यहाँ पे क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि ग्रोथ रेट के कम होने का या बहुत ही कम होने का यहाँ पे मतलब क्या है कि वहाँ पे बहुत ही कम बच्चे पैदा हो रहे हैं, और बहुत ही कम बच्चे पैदा होने के कारण जो भी उसकी एक एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में और भी लोगों के ऐड ऑन होने में बहुत ही लंबा समय लग सकता है। तो इन बेसिक कंसेप्ट को यहाँ पे आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि किसी जगह के पॉपुलेशन डबलिंग टाइम और उस जगह के पॉपुलेशन ग्रोथ के रेट में एक प्रकार का विपरीत, एक प्रकार का व्युत्क्रमानुपाती, एक प्रकार का इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप पाया जाता है। अब आगे की पंक्तियों को देखें, यहाँ पे आगे क्या बताया गया, यहाँ पे देखिए ध्यान से, द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट वन सेंचुरी हैज़ बीन कॉज्ड बाय एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन एंड देयर बाय शोज डिफरेंट ट्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि पिछले एक शताब्दी में या वन सेंचुरी में इंडिया में जो भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है या फिर जो भी पॉपुलेशन का एक्सपेंशन हुआ है, वहाँ पे तीन मेजर कॉम्पोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है बर्थ रेट, अनदर वन इज डेथ रेट एंड अनदर वन इज माइग्रेशन। यहाँ पे अब फिगर टेबल 1.1 में यहाँ पे डेकेडल ग्रोथ रेट का एक पूरा कंपैरिजन 1901 से लेकर 2001 तक का दिया हुआ है ना। अब आप इसमें चार आपको मेजर हेडिंग दिख रहा है, अगर लेफ्ट सब राइट की ओर देखेंगे यहाँ पे, सेंसस ईयर्स, देन टोटल पॉपुलेशन, देन एब्सोल्यूट नंबर एंड देन ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। अगर आप इनको देखें ध्यान से तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ वाले में एकमात्र ऐसा आपको खंड दिखेगा है ना, -0.31, और ये किस ईयर का है देखिए ध्यान से, और ये दिख रहा है 1921 में। ये एक ऐसा ईयर था 1921, एक ऐसा साल था जब इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव दिखता है, और इसी नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण हम 1921 के ईयर को क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पहले का पॉपुलेशन कुछ और ग्रोथ वाइज दिखता है, इसके बाद का पॉपुलेशन कुछ और ग्रोथ रेट के हिसाब से दिखता है यहाँ पे। और अभी तक अगर 1921 के ईयर को या डिकेड को अगर छोड़ दें, किसी भी डिकेड में इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं आया है। आप टेबल 1.1 के नीचे यहाँ पे एक फॉर्मूला भी देख सकते हैं कि कैसे किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन, किसी भी एरिया का हम डेकेडल ग्रोथ रेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, स्मॉल जी इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई P2 इंटू 100। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा बच्चे, ये फॉर्मूले एग्जाम में कई बार पूछ भी लिए जाते हैं, जहाँ पे P1 का मतलब क्या है कि बेस ईयर, और P2 का मतलब क्या है, प्रेजेंट ईयर। हम इस डेकेडल ग्रोथ रेट से ये निकालते हैं कि अगर हम देखें कि 1991 में पॉपुलेशन क्या था और 2001 में पॉपुलेशन, तो 2001 जो होगा वो हमारा प्रेजेंट होगा, 1991 हमारा बेस होगा। तो बेस के पॉपुलेशन में या प्रेजेंट पॉपुलेशन से बेस के पॉपुलेशन को घटाएंगे है ना, बाई उसे प्रेजेंट पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके हम उस कंट्री, उस रीजन या उस क्षेत्र का एक डेकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का अर्थात जनसंख्या की एक दशकीय वृद्धि दर निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब आगे की पंक्तियों में देखेंगे कि ग्रोथ रेट का यहाँ पे एक ओवर सेंचुरी में देखें यहाँ पे, तो तीन मेजर कारण से ग्रोथ रेट को यहाँ पे जोड़ा गया है। एक है बर्थ रेट, एक है डेथ रेट और एक है
माइग्रेशन अर्थात नेचुरल एंड इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स को, और इसके आधार पे हम लोग ग्रोथ के 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फेजेस को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपसे अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि ग्रोथ के कितने 4 डिफरेंट डिस्टिंक्ट फेजेस में बांटा गया है इंडिया के पॉपुलेशन को, आपका आंसर क्या होगा? 4 फेजेस में यहाँ पे, ठीक है। आप इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के इंडिया के मैप को अब ध्यान से देखिए। नीचे यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा है अबव 35 जो डार्क कलर से है, देन 25 to 35, देन 15 to 25, देन बिलो 15। अगर आप एरिया वाइज देखेंगे तो आपको कुछ डार्क पैचेस दिख रहे हैं जो अबव 35 ग्रोथ रेट के परसेंटेज को दिखाता है। नॉर्थ ईस्ट में देखें नागालैंड, दिल्ली एंड दादरा एंड नगर हवेली, है ना, इन सब जगहों में आपको फिर यहाँ पे ये भी समझने की कोशिश करनी कि क्या नागालैंड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है, दिल्ली में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी सबसे ज़्यादा दिख रहा है और दादरा नगर हवेली में भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के इन वेरियस रीजन में कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है या दोनों फैक्टर डोमिनेटिंग है, अर्थात वहाँ पे नेचुरल फैक्टर लाइक बर्थ रेट डेथ रेट ज़्यादा डोमिनेटिंग है या इंड्यूस्ड फैक्टर्स लाइक इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन ज़्यादा डोमिनेटिंग है। अगर आप अनदर रीजन्स को देखें यहाँ पे, ये देखिए इस रीजन को आप देखिए, इसमें अगर दिल्ली वाले रीजन को अगर छोड़ दें, आप इस रीजन को देखिए, जम्मू कश्मीर को देख सकते हैं, आप अरुणाचल प्रदेश को देख सकते हैं, मेघालय को देख सकते हैं, सिक्किम को देख सकते हैं, मिजोरम को देख सकते हैं, यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 25 से 35 के बीच में दिखता है यहाँ पे, अर्थात थोड़ा सा कम है। इसके बाद आप इस जगह को देखिए जो मोस्ट ऑफ द आपका जो सेंट्रल इंडियन जो स्टेट्स है, गुजरात की बात करें, झारखंड की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, ओडिशा की बात करें, एमपी की बात करें, कर्नाटका की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 15 से 25 के बीच में जनरली दिखता है। इसके अलावा जो बाकी जो बिल्कुल भी लाइट कलर के पैचेस से दिखाया गया वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ही कम, या आप बोल सकते हैं कि बहुत ही कम दिखता है वहाँ पे, लाइक केरला, सॉरी लाइक केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, है ना, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइक असम, है ना, आप देख सकते हैं मणिपुर, है ना, तो इन सब जगहों को देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो आपको बिलो 15 दिखेगा। तो इन इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के एक पूरे इंडिया में ग्रोथ रेट के डिस्ट्रीब्यूशन वाले मैप से क्या क्लियर हो रहा है कि पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स की बात करें, रीजन्स की बात करें, वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट एक जैसा नहीं है, अर्थात उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब आगे के डिस्कशन में देखते हैं, आगे के डिस्कशन में कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के 4 फेजेस में बांटा गया या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को 4 डिफरेंट फेजेस में बांटा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फाइनली फेज 4। अब बच्चों यहाँ से सवाल फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 को लेके भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। 3 मार्कर में वो फेज 1 और फेज 2 में कंपेरिजन को भी पूछ सकता है। और अब आपके आपके पेपर में, है ना, 18 मार्क्स का MCQ भी आएगा, तो MCQ के सेगमेंट में भी यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन डिफरेंट पॉपुलेशन ग्रोथ के फेजेस में हर एक फेज के पॉपुलेशन ग्रोथ का सेलियंट फीचर दिया गया है कि यहाँ पे बर्थ रेट का कंडीशन क्या था, डेथ रेट का कंडीशन क्या था, क्यों इस दौरान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा रहा, कम रहा, ज़्यादा रहा तो क्यों रहा, कम रहा तो क्यों रहा, उन सब के पीछे छिपे रीजन को या कॉजेस को यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फेज 1 आप देख सकते हैं, जो फेज 1 है, फेज 1 का पीरियड 1901 to 1921 रहा, और इसी को हम लोग डेमोग्राफिक डिवाइड से भी जोड़ सकते हैं कि 1921 में अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव था, इसे ही हम लोग स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ कहते हैं। स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ही कम था यहाँ पे, और इवन इस दौरान नेगेटिव ग्रोथ रेट भी हमें दिखता है यहाँ पे। बर्थ रेट
और डेथ रेट दोनों बहुत ज़्यादा हाई थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्यों हुआ, उसके पीछे छिपे रीज़न या कारण को समझने की कोशिश करी। कौन कौन से कारण बताए गए? एक तो यहाँ पे हेल्थ कंडीशंस पुअर थे, मेडिकल फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं थी, लोगों में एजुकेशन को लेकर उतनी जागरूकता, उतनी अवेयरनेस नहीं थी, अर्थात वो नॉन लिटरेट थे। एक बहुत बड़े पॉपुलेशन तक ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के फैसिलिटीज़ के प्रॉपर डेवलप नहीं होने के कारण फूड एंड उससे जुड़े हुए गुड्स की प्रॉपर सप्लाई नहीं थी, वहाँ पे फूड के मामले में भी एक प्रकार की इनसिक्योरिटी थी, और अदर बेसिक नेसेसिटीज़ या फैसिलिटीज़ भी इस दौरान हमें उतना ज़्यादा नहीं दिखता। मैंने आप आज से लगभग 100-110 साल पहले के टाइम को आप सोच सकते हैं वहाँ पे कि उस दौरान कंडीशन क्या था, बर्थ रेट हाई रेट, बर्थ रेट डेथ रेट ये दोनों ज़्यादा थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों दिखता है, क्योंकि वहाँ पे उस समय बहुत सारे बेसिक फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं थे। तो इन बेसिक फीचर्स को, कॉजेस को, रीजंस को ज़रूर याद रखिएगा कि क्यों 1901 से 1921 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा, या ये एक यूनिक फेज रहा पॉपुलेशन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। द अनदर फेज इज फेज टू, और इस फेज टू को जो डिकेड है वो 1921 से 1951 का, और इसे ही बोलते हैं पीरियड ऑफ स्टडी पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्थात यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रो करना शुरू हुआ। ओवरऑल अगर यहाँ पे देखें तो हेल्थ कंडीशन यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है ना, यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज़ यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के बढ़ने के कारण, हेल्थ फैसिलिटीज़ के बढ़ने के कारण यहाँ पे जो डेथ रेट था जो पहले बहुत ज़्यादा था 1901 टू 1921 के डिकेड में, यहाँ पे आके उस मोर्टेलिटी रेट में एक ड्रास्टिक डिक्लाइन दिखा जा रहा है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के बेहतर डेवलप होने के कारण फूड मटेरियल्स को बेहतर तरीके से सप्लाई करना पॉसिबल हुआ, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और बेहतर हो रहा है, लेकिन इन सभी फैसिलिटीज़ के कारण यहाँ पे डेथ रेट तो कम हुआ, लेकिन यहाँ पे जो बर्थ रेट था उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आई, या बर्थ रेट बहुत कम नहीं दिखता है, और इसी कारण से यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमें बढ़ता हुआ दिखता है। यहाँ पे अगर थर्ड फेज की बात करें, थर्ड फेज का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का जो डिकेड है वो 51 से 81 का डिकेड है, और इसे ही सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, हम इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का पीरियड और डिकेड। अगर आपसे ये सवाल पूछ ले कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का डिकेड किसे कहा गया है, फेज थ्री बोल सकते हैं, 1951 से 1981 की डिकेड को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट में एक बहुत बड़े पैमाने पे हमें एक रैपिड फॉल दिखता है, लेकिन यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी हाई रहा, फर्टिलिटी रेट में किसी प्रकार की कमी नहीं रही, इवन यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 2.2 दिखता है ना। अगर आप 51 से 81 को देखें, ध्यान से देखिए, ये जो पीरियड है ये पीरियड एक पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसा क्या हुआ है ना, आप बोल सकते हैं कि ऐसा क्या यहाँ पे कंडीशन से सर्कमस्टेंसेस बने जिस कारण से यहाँ पे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों के लाइफ, लोगों की फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, ये सभी सुविधाएं बेहतर तरीके से डेवलप हुई, इस कारण से यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट में एक बहुत बड़े पैमाने पे डिक्लाइन दिखता है, लेकिन ग्रोथ रेट में उतने बड़े पैमाने पे डिक्लाइन नहीं होने के कारण इस डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ एक एक्सप्लोजिव हालत में हमें दिखता है। आगे के लाइंस में देखें, डेवलपमेंट एक्टिविटीज लाइक इंट्रोड्यूस थ्रू अ सेंट्रलाइज प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोविंग अप है ना, एंश्योरिंग द इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल है ना, यहाँ पे हाई नेचुरल इंक्रीज, हायर ग्रोथ रेट है ना, इन सब के बावजूद यहाँ पे क्या बताया गया है यहाँ पे कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हुई है ना, उनका जो इकोनॉमिक लाइफ था, उनका सोशल लाइफ, उनका कल्चरल लाइफ ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया, क्योंकि पोस्ट 47 इंडिया में प्लानिंग करके बहुत बड़े पैमाने पे डेवलपमेंटल प्रोसेस को फॉलो किया गया या प्रोसीड किया गया। इन सब के बावजूद यहाँ पे एक बहुत बड़ा फैक्टर आप याद रखिएगा पॉपुलेशन के एक्सप्लोजिव का, कि इसी दौरान एक बहुत बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल माइग्रेशन भी दिखता है। 51 से 81 में अगर देखें तो तिब्बतन पीपल का भी है ना, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ उस दौरान भी बहुत बड़े पैमाने पे जो रिफ्यूजीज थे
वो इंडिया में आए। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के ज़्यादा होने में बोल सकते हैं। जैसे तिब्बतंस, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान कंट्रीब्यूटेड टू द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो फेज थ्री में देखे थे, फेज थ्री में कौन कौन सा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स पॉपुलेशन को एक्सप्लोसिव करने में रहा? एक तो डेथ रेट का ड्रास्टिकली डिक्लाइन होना, बर्थ रेट का रिमेंस हाई रहना, और माइग्रेशन में भी इनवर्ड माइग्रेशन आउटवर्ड माइग्रेशन था, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे इंटरनेशनल माइग्रेशन का भी हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे। एंड द लास्ट फेज इज फेज फोर। इन द लास्ट फेज 81 से लेकर टिल प्रेजेंट तक का जो फेज है इसे पॉपुलेशन ग्रोथ का फेज फोर कहते हैं। यहाँ पे क्या कि ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन रिमेंड हाई। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अभी भी हाई है, हालांकि पहले की तुलना में थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, आप टेबल से देख भी सकते हैं, है ना। लेकिन डेथ रेट में और कमी मेडिकल फैसिलिटीज़ के बेहतर तरीके से इम्प्रूव होने के कारण, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण हमें दिखता है। अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ पॉपुलेशन ग्रोथ। मैंने क्या बताया कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई है, लेकिन फिर भी प्रीवियस डिकेड की कंपेरिजन में देखे थे यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के कम होने का क्या रीज़न है, है ना। अगर देखें कि विवाह की एवरेज आयु का यहाँ पे क्या होना, बढ़ना, है ना। यहाँ पे लाइफ के क्वालिटी का या क्वालिटी लाइफ का यहाँ पे क्या होना, इम्प्रूव होना। एजुकेशन का बढ़ना और स्पेशली फीमेल एजुकेशन, है ना, या गर्ल्स एजुकेशन का बढ़ना, और इन सभी फैक्टर्स के कारण भी प्रीवियस डिकेड के कंपैरिजन में 81 से टिल प्रेजेंट तक के फेज फोर के पॉपुलेशन ग्रोथ के डिकेड में पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कमी नहीं, लेकिन प्रीवियस डिकेड के कंपैरिजन में कमी हमें दिखती है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउएवर स्टिल हाई इन द कंट्री एंड वर्ल्ड डेवलपमेंटल रिपोर्ट ने क्या बताया कि 2025 तक इंडिया का पॉपुलेशन 1350 मिलियन के आंकड़े को टच कर लेगा। तो इन सभी डिस्कशन से यहाँ पे कौन सी बात स्पष्ट हो रही है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के फोर फेजेज रहे हैं, है ना। अलग अलग फेजेज में पॉपुलेशन ग्रोथ का फीचर क्या रहा, कहीं पे नेगेटिव है, कहीं पे स्टडी है, कहीं पे एक्सप्लोसिव है, कहीं पे धीरे धीरे करके वो कम हो रहा है, लेकिन उन सब के पीछे छिपे रीज़न क्या है, कारण क्या है, हमने उन सभी को यहाँ पे डिटेल में समझा। अभी हमने थोड़ी देर पहले इंडिया के मैप में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के रीजनल वेरिएशंस को देखा यहाँ पे कि नागालैंड में, दिल्ली में, दादरा नगर हवेली में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हमें दिखता है, है ना। अगर हम लोग देखें यूपी बिहार सब में देखें यहाँ पे थोड़ा सा कम है, है ना। अगर सेंट्रल इंडियन स्टेट्स को देखें वहाँ पे आपको थोड़ा सा और कम दिखता है, है ना। और साउथ के स्टेट्स में देखें तो वो, अगर आप देखें तो उसी में से एक स्टेट है केरला, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सबसे कम इंडिया में देखा गया है, और आगे की डिस्क्रिप्शंस में इन्हीं सब बातों को ब्रीफ में सम अप किया गया है। देखेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग 1991 to 2001 इन इंडियन स्टेट्स में एक बहुत ही अलग अलग पैटर्न दिखता है। द स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पुदुचेरी, गोवा, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का आपको एक स्लो ट्रेंड दिखता है यहाँ पे। और केरला जो है वो पूरे इंडिया में सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ को दिखाता है, ये ध्यान देंगे। इसके अलावा या इसके कॉन्ट्ररी अगर हम लोग एक अलग रीजन को लें, उस रीजन में कौन कौन से एरिया देखिए, लाइक वेस्ट टू ईस्ट की ओर देखें, है ना, नॉर्थ वेस्ट देखें, नॉर्थ देखें, नॉर्थ सेंट्रल देखें, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपको हाई दिखता है। क्या दिखता है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे हाई दिखता है। अब इस एरिया को देखें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अब इस एरिया को देखें यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखिए, इन एरियाज को आप देख सकते हैं, इन एरियाज को देख सकते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को बहुत हाई दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, इन रीजन्स को देख सकते हैं, तो इन सभी रीजन्स में आपको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई दिखेगा। आगे देखिए क्या बताया गया है, आगे यहाँ पे है रिलेटिवली हाई ग्रोथ रेट देन द सदर्न स्टेट्स इन दिस बेल्ट, कौन कौन से हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट्स में इंक्लूडिंग झारखंड, इन सभी स्टेट्स में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का हमें जो परसेंटेज है वो जनरली हाई देखने के लिए मिलता है।
है ना। अब यहाँ पे भी ये बताया गया, अब आगे के लाइंस को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। आगे के लाइन में क्या बताया गया कि इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के जो भी रीजन है, जिन भी कंपोनेंट्स के कारण पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है ना, उसमें इंडिया के पॉपुलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जिस एज ग्रुप का है, उस एज ग्रुप का नाम है एडोलेसेंस। 10 to 19 ईयर तक का जो एज ग्रुप होता है चाइल्ड डेवलपमेंट में, हम उसे क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। और एज पर 2001 सेंसस, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन में 10 टू 19 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के पॉपुलेशन का परसेंटेज 22% है। इसमें भी अगर सेक्स वाइज देखें तो मेल परसेंटेज 53 दिखता है और फीमेल परसेंटेज 47 दिखता है। ये एज ग्रुप एक डेवलपमेंटली बहुत ही ग्रोइंग एज ग्रुप होता है और इन एज ग्रुप के पास या एडोलेसेंस के पास बहुत हाई पोटेंशियल होता है, बहुत ही हाई एनर्जी होती है, बहुत ही एम्बिशियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। तो इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि क्या हम कुछ ऐसा करें कि इनके एनर्जी को हम प्रॉपर तरीके से चैनलाइज कर सकें, उन्हें डिस्ट्रैक्ट होने से बचा सके और उनके एम्स को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करते हुए हम लोग कंट्री के डेवलपमेंटल प्रोसेस से उन्हें क्या कर सके, जोड़ सके। आगे देखें, रिगार्डेड एज यूथफुल पॉपुलेशन हैविंग हाई पोटेंशियल्स बट एट द सेम टाइम, है ना, इनमें बेशक पोटेंशियल, एनर्जी, एम्बिशियस ये होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनमें चैलेंजेस भी हैं, इनमें कुछ वैसे पोटेंशियल थ्रेट है जो इन पे आ सकते हैं, उनसे इन्हें बचाना भी है एज अ ह्यूमन रिसोर्स, ताकि हम इनके फ्यूचर को प्रॉपर तरीके से प्लान करते हुए कंट्री के डेवलपमेंटल गोल से इन यूथ पॉपुलेशन के कंट्रीब्यूशन को क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस हैं, जैसे लोअर एज एट मैरिज, है ना, नॉन लिटरेसी, पर्टिकुलरली फीमेल नॉन लिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट्स, मैंने क्या कि बहुत सारे बच्चे अपने स्कूली एजुकेशन को कंप्लीट करने के पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाई रेट ऑफ मेटरनल मोर्टेलिटी ऑफ एडोलेसेंट्स मदर, हाई रेट ऑफ HIV, एड्स, इन्फेक्शंस, फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी और रिटार्डेडनेस, ड्रग अब्यूज, ये भी इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा देखा गया कि ड्रग्स या जो नशीली दवाओं के प्रति उनका जो एक प्रकार का जो एडिक्शन दिखता है यहाँ पे, है ना, एल्कोहलिज्म, जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, है ना, और क्राइम्स यहाँ पे। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो इन चैलेंजेस से हमें इस एज ग्रुप या 10 टू 19 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चे को बचाना है, इनको सेव करना है, इनको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाना है, ताकि हम इनके एम्स को, इनके ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरीके से चैनलाइज कर सकें। और इन्हीं सब ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल यूथ पॉलिसी, राष्ट्रीय युवा नीति को क्या किया है, डिज़ाइन किया है, और उसे 2003 में क्या किया गया, लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य इस लार्ज यूथ पॉपुलेशन के ओवरऑल डेवलपमेंट पे क्या था, फोकस था। किस पे फोकस था, ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस था, लेकिन इसमें कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स पे भी इस एज ग्रुप के लिए बातें कही गई। यहाँ पे कौन कौन सी बातें कही गई, जैसे उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, उन्हें कंट्री के कंस्ट्रक्टिव वर्क से जोड़ा जाए, है ना, उनके अंदर पेट्रियाटिज्म और रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप के फीलिंग को क्या किया जाए, रीइन्फोर्स किया जाए। इसके साथ ही इसमें बहुत ज़्यादा जोर वीमेन एम्पावरमेंट पे दिया गया, है ना, स्पेशल एम्फेसिस यहाँ पे गर्ल चाइल्ड पे जोर दिया गया, है ना, फीमेल स्टेटस को इम्प्रूव करने पे जोर दिया गया। और सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि जो एडोलेसेंस एज ग्रुप का जो हेल्थ है, उनके हेल्थ को इम्प्रूव करने पे जोर दिया गया, उनके स्पोर्टिंग एबिलिटीज़ को, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी में उनके प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट को सपोर्ट किया गया, उनमें रिक्रिएशनल, उनमें क्रिएटिविटी और उनमें अवेयरनेस लाइक एक्टिविटीज़ को भी प्रमोट करने की बात की गई, और वे अपने रिक्रिएशनल, अपने क्रिएटिविटी, अपने अवेयरनेस एक्टिविटी को या अपने अवेयरनेस को वो कैसे साइंस टेक्नोलॉजी से, कैसे इनोवेशन से वो जोड़ सकते हैं। तो इन सभी डिस्कशन से क्या, यहाँ पे मैं अपनी बात को यहाँ पे ब्रीफ में सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सभी डिस्कशन से क्या लग रहा है कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ। हाँ, प्रीवियस डिकेड के कंपैरिजन में वहाँ पे एक डाउनफॉल हमें दिखता है, लेकिन इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के सामने, है ना, बहुत सारे चैलेंजेस है, स्पेशली 10 टू 19 ईयर एज ग्रुप
एडोलेसेंस के सामने बहुत सारे चैलेंजेस है, क्योंकि वो हमारे ओवरऑल पॉपुलेशन का एक बहुत मेजर पार्ट एज पर 2001 सेंसस 22% पार्ट क्या करता है, कवर करता है। और इस पॉपुलेशन ग्रोथ के डिस्ट्रीब्यूशन में भी स्पेस और टाइम वाइज बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे वेरिएशन दिखता है। तो हमें इस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को प्रॉपरली चेक करना है, ताकि हम कंट्री के लिमिटेड रिसोर्स के अकॉर्डिंग उसके ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग, उसके ह्यूमन रिसोर्स के अच्छे से एडजस्टमेंट वहाँ पे कर सके। आई होप पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ के वेरियस फेजेस के माध्यम से, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन के माध्यम से, एक इंटरनेशनल माइग्रेशन का पॉपुलेशन ग्रोथ में या इंडिया के पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, इन सभी के द्वारा आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात, इस प्रकार के और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि किसी भी प्रकार की नई वीडियो आए तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए, है ना। आप अपने कमेंट बॉक्स में ये लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स, आपके कन्फ्यूजन्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद, या इस वीडियो को देखते हुए भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में या आपके मन में आ रहे होंगे, उन सभी डाउट्स को आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, और मैं उन सभी डाउट्स के आंसर को या उन सभी डाउट्स को मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल।